गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेव। आज हम रचना प्रसून कक्षा पांच का पार्ट छह वचन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आप लोग जानते होंगे वचन के बारे में, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल। ओके तो आज हम ये पढ़ेंगे चित्रों। यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं, पहले हम चित्रों को देखते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। फर्स्ट पिक्चर है मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गियां दाना चुग रही हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि मुर्गी तथा बच्चा शब्द से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। मुर्गी एक है और बच्चा एक है, तो हमें क्या बोध हो रहा है कि उसको उसके एक होने का बोध हो रहा है। और मुर्गियां और बच्चे शब्दों से उनके संख्या में अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। यानी कि मुर्गियां शब्द से और बच्चे शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक से ज्यादा है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। समझ आया बच्चों आपको वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चले कि एक उसके ये एक है या मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द के रूप से हमें ये पता चले कि वो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है या फिर एक स्थान के बारे में पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, ओके, पाठशाला आदि। अब इन वाक्यों को पढ़िए ध्यान से। लड़का पढ़ता है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक ले जाओ। तो इन वाक्यों में लड़का, घोड़ा, पुस्तक एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु का बोध कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो ये शब्द एक वचन के उदाहरण हैं। अब देखेंगे हम बच्चों इसका बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से हमें व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, पुस्तकें, घोड़े, लड़के, पाठशालाएं आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लड़के पढ़ते हैं, घोड़े घास खाते हैं, पुस्तकें ले जाओ। इन वाक्यों में लड़के, घोड़े, पुस्तकें, शब्द एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। तो ये बहुवचन के उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं विशेष। आदर देने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन की तरह किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उनका प्रयोग भी हम बहुवचन की तरह करते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी क्या है? एक वचन। लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या बोलेंगे? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में पिताजी और आप एक वचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, लोग बाहर खड़े हैं, माधुरी के केश लंबे हैं, उसके आंसू निकल आए, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ।
क्रोध क्षमा प्रेम जल दूध घी दही वर्षा सत्य आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और कभी कभी क्रियाओं को देखकर भी वचन का बोध हो जाता है। कभी कभी हम क्रियाओं को देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें क्रिया क्या है? बैठा है। तो बैठा है से हमें पता चल गया कि एक बंदर है, ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, इसमें क्रिया क्या है? बैठे हैं। तो बैठे हैं से हमें पता चल रहा है कि मोर देन वन है, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी क्रियाओं को देखकर हमें वचन का पता चल जाता है। मोर नाच रहा है एक वचन, और मोर नाच रहे हैं से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है, शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे बहन, ठीक है, बहन है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें बहन का, तो ब प्लस अ, ह प्लस अ, न प्लस अ, तो लास्ट में क्या आ रहा? अ। अगर हम लास्ट में अ आ रहा है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। जैसे बहन है तो क्या हो जाएगा? बहने। किताब किताबें, आंख आंखें, गाय गाये, भैंस भैंसे, फौज फौजे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। अगर कोई पुल्लिंग शब्द दिया गया है उसके लास्ट में आ रहा है तो उसमें भी हम ए लगाकर इसको बहुवचन बनाते हैं। जैसे कपड़ा कपड़े, कौवा कौवे, पंखा पंखे, गमला गमले, घोड़ा घोड़े, चीता चीते। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर आ आता है तो उसमें भी हम ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ए मतलब ये लगाएंगे और ऊपर हम लगा देंगे चंद्र बिंदु। जैसे कि माला, तो क्या बन जाएगा? मालाएं, ठीक है। माला के बाद हमने ए लगाया और चंद्र बिंदु लगा दिया, मालाएं। उसी तरह व्यथा व्यथाएं, ठीक है, लता लताएं, शिला शिलाएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई अथवा ई के स्थान पर इया लगा देने से भी बहुवचन बन जाता है। जैसे रीति, तो क्या बना? रीतियां। विधि विधियां। रुचि रुचियां। थाली थालियां। रोटी रोटियां। बेटी बेटियां। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे एक शब्द है रीति, तो क्या बना ये? रीतियां। यहां पर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, रीतियां। और अगर है रोटी, अगर यहां पर छोटी की मात्रा है लास्ट वाले वर्ड के ऊपर, तो वो एस्पीज रहेगी जब हम उसको बहुवचन बनाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? या और चंद्र बिंदु, रोटियां, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी की मात्रा है तो जब हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो वो भी हम छोटी की मात्रा बहुवचन बनाते समय रोटी टा के ऊपर कौन सी मात्रा जाएगी? छोटी की। या और चंद्र बिंदु, रोटियां, ओके। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगा देने पर भी बहुवचन बनता है, ठीक है। या दिया हुआ है, ठीक है, या दिया हुआ है तो उसमें क्या आ जाएगा? केवल चंद्र बिंदु लगाने से ही वो हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे झुटिया लुटिया, एक शब्द दिया गया है चुहिया, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे लास्ट में या है तो क्या बन जाएगा? ये चुहिया। सिर्फ चंद्र बिंदु हम यहाँ पर आखिरी मात्रा के ऊपर लगाएंगे और ये हमारा बहुवचन बन जाएगा, चुहिया। बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, खटिया खटिया, पुड़िया पुड़िया। कुछ शब्दों के अंत में उ तथा ओ होने पर उनके साथ ए जोड़कर, ए मतलब ये ए और चंद्र बिंदु जोड़ने पर भी बहुवचन बन जाता है। जैसे बहु बहुए, ऋतु ऋतुए, वस्तु वस्तुएं। उसी तरह जैसे इसमें दिया हुआ है बहु, बड़ी उ की मात्रा है, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो
यहाँ पर मात्रा लग जाएगी छोटे ऊ की और ए और चंद्रबिंदु। लेकिन अगर पहले से ही छोटी की छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो बहुवचन बनाते समय वो एज इट इज रहेगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं वस्तु, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा वस्तुएं, ये मात्रा एज इट इज है, केवल हमने यहाँ ए और चंद्रबिंदु लगा दिया। ठीक है बच्चों, जैसे धेनु धेनुए, वधु वधुए, गौ गौए। नेक्स्ट है कुछ शब्दों के अंत में गढ़, व्रत, जन, वर, दल, लोक आदि लगा देने से भी बहुवचन बन जाता है। जैसे छात्र एक शब्द है, इसके बीच हमने क्या लगा दिया गढ़, तो बन गया छात्र गढ़। ठीक है, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, हम लोग, सैनिक सैनिक दल, पंडित पंडित वृंद। कुछ शब्द दोनों शब्दों में से एक जैसे ही होते हैं, दोनों वचनों में एक जैसे होंगे। जैसे हाथी, तो हाथी का एक वचन भी हाथी होगा, बहुवचन भी हाथी होगा। फूल फूल, कवि कवि, भाई भाई। तो बच्चा आपको चैप्टर समझ आ गया होगा ये। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, स्मरण रखने होंगे कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, वचन मतलब नंबर्स। ठीक है, जब हमें संख्या का पता चलता है तो उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मौखिक क्वेश्चन आंसर्स। एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन शब्दों के चार उदाहरण बताइए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, बहुवचन किसे कहते हैं। अच्छा, इसके इसमें एक वचन के हमें चार उदाहरण भी देने हैं, जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का आदि। अब दूसरा क्वेश्चन है बहुवचन किसे कहते हैं, उसके चार उदाहरण लिखिए। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। इसके भी चार उदाहरण लिखने हैं हमें, जैसे बालिकाएं, पुस्तकें, घोड़े, लड़के आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्रियाओं को देखकर वचन का बोध कैसे होता है समझाइए।
जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था आंसर नंबर थ्री, कभी कभी क्रियाओं को देखकर भी, कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। कैसे होता है बच्चों? जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? बैठा है से कि ये एक वचन है, ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। अब यहां पर हमें बैठे हैं, इन बैठे हैं से पता क्या पता चल रहा है कि ये वाक्य बहुवचन का है। समझ आया बच्चों कैसे कभी कभी क्रियाओं को देखकर हमें वचन का पता चल जाता है। अब हम देखेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर्स। तो लिखित क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर वन है कि वचन किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि वचन किसे कहते हैं, वचन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। राइट डाउन ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर वन। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चा खेल रहा है या बच्चे खेल रहे हैं। यहां पर वाक्य बच्चा खेल रहा है ये एक वचन का वाक्य है और बच्चे खेल रहे हैं ये बहुवचन का वाक्य है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, वचन के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से बच्चों? अभी हमने पढ़ा एक वचन, सेकंड है बहुवचन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री, चार ऐसे शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। चार ऐसे शब्द हमें लिखने हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। लोग, केश, आंसू, दर्शन आदि, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अब यहां पर बच्चों एक एक्सरसाइज है, निम्न शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। अब इसको देखते हैं हम। यहां पर आपको जो शब्द दिए गए हैं वो बहुवचन दिए गए हैं और आपको उनका एक वचन लिखना है। जैसे फर्स्ट है, निम्न शब्दों के एक वचन रूप लिखिए, एक वचन रूप लिखिए। तो फर्स्ट शब्द है मिठाइयां, ठीक है। तो मिठाई का एक वचन क्या होता है बच्चों? मिठाई, ओके। सेकंड है वधुएं,
वधुए का एकवचन क्या होगा? वधु। नेक्स्ट वर्ड इज कविताएं। कविताएं का एकवचन क्या होता है? कविता। सड़कें, सड़कें का एकवचन क्या होगा? सड़क। नदियां का एकवचन नदी। नेतागण, नेता। पत्ते, पत्ते का एकवचन क्या होता है बच्चों? पत्ता। चुहिया, सिर्फ हमें चंद बिंदु हटाना है और ये बन गया एकवचन चुहिया। अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं का क्या क्या बना? अध्यापिका, अध्यापिका। एंड द लास्ट वन इज कमरे। कमरे का एकवचन क्या होगा बच्चों? कमरा। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है आपको? आपको बहुवचन बनाने हैं। अब एकवचन दिया हुआ है उसको आपको बहुवचन बनाना है, ठीक है? जैसे माला, माला का बहुवचन क्या होगा? मालाएं। नदी, नदियां। यहां पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। नेक्स्ट है रीति, रीतियां। मक्खी, मक्खियां। बहु, बहुएं। कली, कन्या। युवा, युवा वर्ग। महिला, महिलाएं। ए के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया में क्या लगा देंगे हम यहां पर? चंद्र बिंदु, या आपकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु दे बन गया चिड़िया, मीन्स बहुत सारी चिड़िया। हाथी, अभी हमने बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एकवचन भी वही होता है और बहुवचन भी होता है, तो हाथी का बहुवचन भी हाथी ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के एकवचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना है, ठीक है? यहां पर कुछ कलर्ड शब्द दिए गए हैं तो उनको आपको वचन चेंज करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। जैसे सड़कें साफ हैं, सड़कें, ठीक है? तो इस शब्द को हमें, इसका वचन हमें चेंज करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है, तो क्या होगा? सड़क साफ है, सड़क साफ है। सड़कें का एक वचन क्या हो जाएगा? सड़क। नेक्स्ट है चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया मतलब एक चिड़िया, तो इसका हमें बहुवचन बनाना है चिड़िया, यहां पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। पेड़ पर बैठी है और यहां पर है में डॉट लग जाएगा। बहुवचन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि लास्ट में है के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, ठीक है? बहु काम कर रही है, एक बहु है, इसका बहुवचन क्या होगा? बहुए काम कर रही हैं, बहुए काम कर रही हैं, यहां भी डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है मैंने कहानी पढ़ी, तो क्या होगा इसका? मैंने कहानियां पढ़ी, यहां पर भी डॉट लगा देंगे हम। नेक्स्ट है मिठाई इधर रख दो, मिठाइयां। मिठाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? मिठाइयां इधर रख दो। समझ आया बच्चों आपको एक्सरसाइज? नेक्स्ट है एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है? उसमें से तीन रॉन्ग है और एक करेक्ट है। आपको करेक्ट आंसर के सामने टिक लगाना है। वचन के भेद होते हैं एक,
दो, तीन या चार, क्या होते हैं? दो. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. कितने होते हैं भेद वचन के? सही उत्तर पर टिक लगाइए. तो फर्स्ट का आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ख, दो. इसके आगे हम टिक लगा देंगे. सेकेंड है आंसू का सदैव प्रयोग होता है. आंसू का प्रयोग अभी हमने यहां पर पढ़ा था बच्चों. आंसू का प्रयोग कहां होता है? हमेशा बहुवचन में किया जाता है. ठीक है, आंसू का प्रयोग चार ऑप्शन है, एकवचन, बहुवचन, दोनों में या विशेषण में. आंसू का प्रयोग हमेशा होता है बहुवचन में. तो इसका भी खा करेक्ट है, बहुवचन. इसके आगे भी हम टिक लगा देंगे. थर्ड क्वेश्चन है बेटी का बहुवचन क्या होगा? बेटो, बेटियाएं, बिटिया या बेटियां. लास्ट में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो फोर्थ वन इज करेक्ट, बेटियां. ओके, बेटियां. एंड द लास्ट वन इज वधुएं का एक वचन क्या है? वधुओं, वधु, वधुआ या वधुआएं. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, वधु. ठीक है, ध के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, वधु. सेकेंड ऑप्शन वधु इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रचनात्मक गतिविधियां. निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को देखकर कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए. क्या करना है इसमें आपको बच्चों? निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया को देखकर कोष्टक में से दिए गए संज्ञा शब्दों के सही रूप आपको लिखने हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपने कपड़ों को गंदा मत करो. यहाँ पर ऑप्शन वर्ड था कपड़ा, तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके लिखेंगे, उसका वचन चेंज करके लिखेंगे. अपना, अपने कपड़ों को, तो कपड़ा का सही रूप क्या आएगा इसमें? कपड़ों, अपने कपड़ों को गंदा मत करो. डैश खाना खा रही है में यहाँ पर डॉट लगा है. अभी मैंने आपको बताया था कि बहुवचन की पहचान यही होती है कि है में लास्ट में डॉट लगा होता है. तो यहाँ पर दिया गया है चिड़िया, तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया दाना चुग रही है. क्रिया देखकर संज्ञा शब्दों का सही रूप लिखिए. फर्स्ट है आपने कपड़ों, ठीक है, दैट इज गिवन इन द बुक. सेकेंड है चिड़िया, चिड़िया दाना चुग रही है. चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़िया. थर्ड है डैश गेंद से खेल रहे हैं, इसमें भी हाँ में डॉट लगा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन वर्ड बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. नेक्स्ट है डैश तालियां बजाकर हंसे, ऑप्शन वर्ड इज दर्शक. डैश तालियां बजाकर हंसे मतलब दर्शक गण. ओके, दर्शक गण तालियां बजाकर हंसे. नेक्स्ट है सभी डैश सूख गई हैं नदी, तो इसमें क्या होगा? नदियां, नदी का बहुवचन नदियां, सभी नदियां सूख गई हैं. नेक्स्ट है डैश मंगल गीत गा रही हैं महिला, तो क्या हो जाएगा? महिलाएं, महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं. नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए. इसमें आपको सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है उसको आपको शुद्ध करके, सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा से लिखना है. वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए. पहले हम देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक है, फिर उसको करेक्ट करके सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे. दादाजी ने प्राण त्याग दिया,
दादाजी ने प्राण त्याग दिए। ओके, दादाजी ने प्राण त्याग दिए। ठीक है, प्राण त्याग दिया नहीं होता, प्राण त्याग दिए। सेकेंड इज, पिताजी अखबार पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज, लड़कियां घूम रही, लड़किए लिखा, लड़किए घूम रही थी, तो लड़किए इज अ रॉन्ग वर्ड, लड़कियां घूम रही थी, लड़कियां घूम रही थी। मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज, मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए, नॉट दिए। ओके, यहां लोग खड़ा था, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यहां लोग खड़े थे, यहां लोग खड़े थे। नेक्स्ट इज, आंख से आंसू निकल पड़ा, आंख से आंसू निकल पड़े। आंख से आंसू निकल पड़े। तो बच्चों आपको इस चैप्टर समझ आ गया होगा, इसको ध्यान से पढ़िए, सारे एक्सरसाइजेस अपने जो बुक में है वो बुक में करिए। ठीक है, जैसे लिखित क्वेश्चन आप बुक में कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज आप करिए। ठीक है, अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।